हरे कृष्णा एवरीवन, राधा रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड कंडेंस मिल्क। इसको बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल में 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप शुगर, 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध जो रूम टेम्परेचर का है। पहले हम 1 कप डालेंगे और अच्छे से विस्कर की सहायता से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं पड़े। अब हम इसमें 1/2 कप दूध और डाल देंगे और सभी चीजों को एक सार करेंगे मिलाते हुए। अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, कढ़ाई या पैन, उसमें हम इस मिश्रण को डालेंगे और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हम कंटिन्यूअसली इसे स्टर करते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे तले में लग जाएगा। लगभग 2 मिनट बाद ये थोड़ा गाढ़ा दिखने लगेगा। कुल हमें 3 मिनट तक इसे लो गैस पर पकाना है। थोड़ा झाग वाला जैसा ये हो जाएगा, लेकिन घबराए नहीं, इसकी कुकिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। जब ये इस प्रकार हो जाए तो हम इसे चारों तरफ से स्पैटुला की सहायता से इस तरह उतारते हुए और 1 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। घर का बनाया हुआ कंडेंस मिल्क जो हम बाजार से लाते हैं उसके 1/2 रुपए से भी कम में बन जाता है और ये टेस्टी भी उतना ही होता है। देखिए, इसमें अच्छे से बॉयल आ रहे हैं तो अब हमारा ये लगभग तैयार हो गया है। हम गैस को बंद कर देंगे और एक छन्नी की सहायता से हम एक बाउल में से छान लेंगे ताकि अगर कोई भी लम्स रह गए हों तो वो निकल जाए। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, ठंडा होने पे ये गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, ये रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इतना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे लगभग 3 से 4 घंटे फ्रीज में रख देंगे और ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा जैसे बाजार का होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही नई और यूनिक रेसिपीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट द्वारा बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे शेयर करना भी ना भूलें।